ক্যামেরাম্যান দেখো জলে সাঁতার কেটে কেটেও ক্যামেরা করছে তো লাঞ্চ টাইম না ইউ গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল আজ ভ্যাকেশন কে বাদ ইয়ে মেরা পহলা অফিশিয়াল স্টেটমেন্ট হ্যায় জিস ভিডিও মে মে খুদ ভি হু তো আজ জেসে আপ লোগো কো বাতায়া আজ হামারি জেসে আপ লোগো কো বাতায়া আজ হামারি থার্ড ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি হ্যায় তো আজ হামনে প্ল্যান কিয়া কি কহীন थोड़ा हटके करते हैं तो आए हैं हम ओमान में ये काइंड ऑफ धोबरूज ही है आप बोल सकते हो पर पूरा दिन ऑलमोस्ट 9 to 10 hours हमारा सफ़र होगा सिर्फ ओमान के समुंदरों में खाना पीना यहीं पे सब यहीं पे आप बोटिंग भी कर सकते हो आप स्विमिंग भी कर सकते हो इट विल बी अ ग्रेट फन तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस वीडियो को आखिर तक तो टाइम हो रहा है सुबह का 7:20 इन लोगों का पिकअप टाइम था 7:15 बस भी आ चुका है यही है बस यहाँ पे दुबई में शारजा में और दो तीन पिकअप पॉइंट है वहाँ से फुल बस पैक्ड कर बस पूरा फुल करके लेके जाते हैं तो हम लोग वेट कर रहे हैं ड्राइवर बोला उधर से गया कुछ उसको कुछ काम है वो आएंगे तो हम लोग सीधा गाड़ी के अंदर जाके चलते हैं और मैडम जी देखिए नींद भरी आँखों में इंतज़ार करते हुए फाइनली बस में बैठ चुके हैं और टाइम हो रहा है 7:30 यहाँ से डिपार्ट कर चुके हैं जा रहे हैं अभी पता नहीं अभी कहाँ तक पहुँचे हैं बीच में तो हम लोग बस में सो गए थे नींद आ गया था अभी कहीं पे पेट्रोल लेने के लिए रुके हैं तो थोड़ा चाय ले रहे हैं यहाँ पे और फिर आगे का जर्नी कंप्लीट करेंगे आगे आगे ऐसा कुछ ओमान में एंट्री का परमिट मिला अभी एकदम बॉर्डर पे खड़े हैं और अभी एंटर करेंगे ओमान पे क्या क्या लिखा है अरबिक में कुछ पता नहीं चल रहा है वेलकम टू सुल्तानेट ऑफ ओमान यहाँ पे आपको ओमान का फ्लैग लहराते हुए दिख जाएगा बहुत ही ज़्यादा सनी डे है बहुत ही धूप मतलब बहुत ही ज़्यादा धूप है पर ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है तो सनबर्न होने का चांस है पर इतना गर्मी फील नहीं हो रहा है और यहाँ पे अभी बॉर्डर क्रॉस करके हम आए ये जो बॉर्डर है ना यहाँ पे सिर्फ यूएई का चेक पॉइंट है क्यों इसके इसमें ओमान का चेक पॉइंट नहीं है तो इसीलिए पासपोर्ट में स्टैंपिंग वगैरह कुछ नहीं करते बस पासपोर्ट चेक करते हैं और एंट्री परमिट चेक करते करके आपको पासपोर्ट दे देता है बस इतना सा ही प्रोसीड्योर है वाह हम पहुँच चुके हैं मुसंदम का दो क्रूज टर्मिनल पे और यहाँ पे देखिए कितने सारे बोट्स है पता नहीं हमारा बोट कौन सा वाला होगा होपफुली कुछ अच्छा वाला ही दे दे पर अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम यहाँ का एक्सपीरियंस और यूएई में इतने साल रहने के बाद एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए क्या बोलते हो आप तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मैरिज एनिवर्सरी और सेलिब्रेट करते करने के लिए कहाँ पे आ चुके हैं ओमान पे मुसंदम दो क्रूज डिब्बा टूरिज्म पोर्ट खसाब छोटा छोटा बोट्स हाय वाह बोट पे आ चुके हैं ओके अरे वाह रिलैक्सिंग इन द बोट ओमान का फ्लैग शान से लहराते हुए
अच्छा लग रहा है बहुत फीलिंग। पता नहीं यहीं से चलाएगा क्या, एकदम सामने हमारे हैं। वाओ वेलकम ड्रिंक पानी एंड जूस, थैंक यू, पानी एंड जूस एज वेलकम ड्रिंक, जो भी मिलेंगे ले लेंगे भाई, फ्री का चीज़ है, छोड़ना नहीं है। अभी फ्री में आ जाएगा। इतना रिलैक्सिंग। आज विजिबिलिटी बहुत पुअर है, इसीलिए दूर का जो नज़ारा है ना, वो पहाड़ वगैरह नहीं दिख रहा है, नहीं तो अमेजिंग सा प्लेस है। स्विमिंग करेंगे आपको भी करवाएंगे स्विमिंग, आज स्विमिंग सिखवाएंगे ऐसे राजा के जैसा सोया पड़ा हुआ। ठंडी भी देख मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। धूप आज इतना तेज़ नहीं लग रहा है, मतलब धूप थोड़ा बॉडी पे भी पड़ रहा है तो अच्छा लग रहा है हमें तो वैसे। वो तो काला काला हो जाएंगे बंदर जैसा, वो नो प्रॉब्लम, फिर 10 दिन में सही हो जाएंगे। उसका जो मुसंदम टीप होता है ना, वो एक्चुअली यूएई से बहुत सारे होते हैं और पूरा दिन का प्लान होता है, जैसे सुबह 7 बजे आपको पिक करते हैं और शाम को 7 बजे ड्रॉप करते हैं फ्रॉम दुबई टू दुबई। व्हाट ए रिलैक्सिंग डे, बहुत रिलैक्स मिल रहा है यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए। सीट्स आर वेरी कम्फर्टेबल राइट? या वेरी मच, वेरी कम्फर्टेबल, रिलैक्स। प्लेटर इंक्लूडेड, तो एक एक पीस एप्पल टेस्ट करते हुए ओमान में ओमान के समुंदर में। बोट और यहाँ पे शावर भी है, हम दोनों स्विमिंग गेटअप में आ चुके हैं ऑलरेडी और 10-15 मिनट्स में बोट रुकेंगे और स्विमिंग करेंगे। पानी बहुत अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, बहुत मज़ा वाला था। आ जाओ चलो। तो अभी दो को एंकर किया है यहाँ पे,
बाकी सब वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक बनाना बोट राइड, स्पीड बोट राइड, स्विमिंग, स्नॉर्कलिंग, तो सब करते हैं और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो अभी बैठ चुके हैं स्पीड बोट में फॉर स्पीड बोट राइड एंड बनाना बोट राइड। लाइफ जैकेट पहन लिए, टेंशन मत लो, डूबोगे नहीं, ऐसे तैरते रहोगे। पानी पी लिया तो मरी तो जाऊंगी ना। नहीं नहीं पानी नहीं पियोगे, मुंह बंद रखना। चलो चलो नॉट स्नेक इट्स नॉट स्नेक वेयर वेयर इज इट गोइंग आई एम इट्स नॉट स्नेक दैट्स स्टील यस
Japanese. Yeah. Going to one more cave. Nasa may mga snakes yan. Baka malibok tayo. Wow, this is nice. Are we allowed to swim here? पहले गिर गया भैया को तैरना आता है मुझे ये तो ये भी नहीं चाहिए मैं आपको पकड़ा नो प्रॉब्लम खत्म हो गया बेटा बहन आपको आते थे ना हाँ कैसे बचपन से तैरना होता है पाओ ক্যামেরাম্যান দেখো জলে সাঁতার কেটে কেটেও ক্যামেরা করছে তো ஸ்டில் இருப்பா இருப்பா ஆ இருப்பா படிக்கட்டுல இரு லேடர்ல இரு ஓடு கார் சப்ரிஸ் நீ ஓடியா போய் ப்ளீஸ் Yes, here go. Let's go to the balloon. Oh, sorry. Let's see video. Oh, I'm going to dive out.
Ayo ko na mag-dive na may miss na. Kacho to ay. Dali sa taas pwede. Pwede. Pwede ko mag-dive sa taas. Teach me how. Yes. Pwede. Sabi? Yes. Pwede tumalon. Pwede tumalon. Pwede tumalon. Pwede tumalon. Sige nga. Can I try? Jump from the top. This side is okay. It's okay. This side. No, no, don't jump. But it's enough deep. लंच टाइम है सारे एक्टिविटीज खत्म करके लंच करके अभी थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं. मतलब उन्होंने तो बोला था अभी भी चाहो तो स्विमिंग कर सकते हो और बीच में भी जाके रेस्ट कर सकते हो, पर एनफ हो गया. बहुत स्विमिंग किया, बहुत एंजॉय किए. अभी बाकी को करने दो, हम लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं. अभी टाइम हो रहा है 2:15 और 4 बजे शायद बैक टू पोर्ट हो जाएंगे, तो तब तक आराम से बैठे रहेंगे, मज़े ले रहे व्यूज़ का और जो बोलते हैं ना शांत नेचर है ना, उसका मज़ा ले रहे. अभी बाकी टीम बीच के तरफ जा रहा है, इधर टीम हो गया. इस पैकेज के बारे में कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. हमें मिला था 170 दिरहम पर पर्सन के हिसाब से, दुबई से पिकअप, दुबई में ड्रॉप, और इसमें जो जो एक्टिविटी आपने देखा ये सब कुछ तो इंक्लूडेड था. नॉर्मली 200 रहता है और कभी कभी ऑफ़र में इससे सस्ता भी आपको मिल सकता है. तो हमने बुक किया था मुसन्नम ट्रैवल्स या टूरिज्म ऐसा कुछ है कंपनी. इन्होंने बहुत अच्छा सर्विस दिया और खाना पीना बहुत कुछ सही था. यहाँ से अभी निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं, शायद फ़िशिंग का कुछ पॉइंट में रुकेंगे और फ़िशिंग वगैरह करेंगे. देखते हैं क्या मिलता है आगे. मज़ा आ रहा है भाई, क्लाइमेट अभी भी बहुत सही है, इतना गर्मी भी नहीं फील हो रहा है तो अच्छा लग रहा है यार. अच्छा खासा डीप सी में आ चुके हैं, अभी पानी पूरा काला काला दिख रहा है. मतलब नीचे तक, नीचे बहुत डीप होगा इसीलिए नीचे का कलर ऐसा काला आ रहा है बस. हो गया ना कि बोट में खड़ा रहने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है. और हो गया है चाय कॉफ़ी का टाइम, चाय कॉफ़ी एंड बिस्किट. तो खाने पीने का बंदोबस्त तो बहुत ही अच्छा था यहाँ पे. ओह देखो पानी कितना आ रहा है उधर से, बहुत हवा चल रहा है, तेज़ हवा चल रहा है और रफ सी है, अच्छा लग रहा है. तो अभी उन्होंने इन्फॉर्म किया कि आज फिशिंग के लिए नहीं रुक सकते ड्यू टू हाई विंड. तो अभी हम लोग जा रहे हैं पोर्ट के तरफ वापस और शायद 10-15 मिनट्स में वापस पहुंच जाएंगे. अभी फिर से इन लोगों ने अच्छा खासा फ्रूट का टोकरी रख दिया है, सुबह भी था अभी भी है, जिसको जितना खाना है खाओ.